हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर में। अभी ना यहाँ पे बहुत सारी धूल से उड़ रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि तूफान आया होगा, बट सब कुछ तो ठीक लग रहा है, मेरे को नॉर्मल सा लग रहा है। अब जाके आज हमको, हमारे पास पैसे हैं वैसे $2,186.55, इतने पैसे अपने पास बचे हुए। तो आज हमको काम करना है, बहुत काम करना है, ट्राई करना है कि हम लोग ग्रो करें अपना बिजनेस, ताकि हम लोग और कुछ जो चीजें हैं ना उनको अनलॉक कर पाए। यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो फ्यूल भी एक बार चेक कर लो जरा, फ्यूल वगैरह कितना बचा है। नेक्स्ट हमारा वैसे जो गोल है ना काफी बड़ा है, पता नहीं आज अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि मेरे को 30 बोट्स को फ्यूल करना है, मेरे को 30 कार्स को फ्यूल करना है, 30 कस्टमर्स को सर्व करना है, स्कूबा इक्विपमेंट रेंटल करना है 25, सर्फिंग इक्विपमेंट रेंटल करना है 25, और 6 मेरे को टॉयलेट लोगों को यूज़ कराना है। मैं कराऊंगा वो तो खुद करेंगे ना, ये गंदे काम थोड़ा मैं करूंगा। शावर यूज़ बाय कस्टमर, उनको नहलाना है मुझे 6 कस्टमर्स को, और 20 कस्टमर्स की गाड़ी मेरे को रिपेयर करनी है, और 10 लोगों की गाड़ी धोनी है। अभी सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ, एक मेरा एम्प्लॉय है जो अक्सर रेस्ट कर रहा होता है वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हर टाइम वो रेस्ट कर रहा होता है। इसको ज़्यादा फूल डाल दिया मैंने, नाराज हो रहा, चोरी कर दूंगा गाड़ी में, ज़्यादा हीरो बन रहा है यहाँ पे। ओके तो गाइज हम लोग ऑर्डर करना स्टार्ट करते हैं सामान। यार ये धूल क्यों नहीं उड़ती, इसमें से दिमाग खराब हो जाता है हर टाइम धूल देख देख के, मतलब धूल उड़ती रहती है, मेरे को चाहिए नहीं इतनी धूल यहाँ पे। हम लोग एक बार अपग्रेड्स में जाके देखे जा रहे कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है। वेयर हाउस हमारा अपग्रेड होगा, ये हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। एक मेरे को वेयर हाउस अपग्रेड करना है $500 में, कर लूँ क्या? वेयर हाउस की कैपेसिटी कम हो रही ना, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा वेयर हाउस की कैपेसिटी। मुझे चाहिए कि यार मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा कलर सेट करूँ, बहुत फीका फीका हो रहा है। अरे हटाओ इसको यार, हम लोग चलते। मेरे को पहले पहले डर लग रहा था, मैंने कहा कि यार ये वोल्केनो फट जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होता फालतू में। इसको पहले थ्रो करके आता हूँ जल्दी से, मेरे को ना बीच में से ये कचरा भी हटाना है। एक सेकंड, अपने पास कुछ टूल्स हैं क्या? अभी शायद नहीं है अपने पास। मैं इसको हटाओ, मेरे को ना ये हटाना था यहाँ पर, तो हम लोग शायद वो स्पेशल वाला टूल बाय कर सकते हैं। एक बार देखो यार टूल्स में, हाँ नहीं कैनन नहीं, हमको न्यूमेटिक हैमर चाहिए। एयर ब्रश से हम लोग वो कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अरे वाह, लकड़ी में पेंट अच्छा लगेगा वैसे अगर हो गया तो। फिलहाल हम लोग ये कस्टमर को सर्व करते हैं गाइस जल्दी से। एक ही सामान लेना था इसको, इतनी गर्मी में टोपी पहन के आ रखा पागल कहीं का। तो हम लोग पहले तो फ्यूल सप्लाई चेक कर लेते हैं। फ्यूल सप्लाई चेक क्या करनी यार, देखो रेट क्या हो, बढ़ रहे रेट ठीक ठाक ही चल रहे हैं। सेल प्राइस, एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। अचीवमेंट अनलॉक कर लिया हम लोगों ने कुछ, तो हम लोग सबसे पहले स्टेशन लेवल 4 द कार वॉश, एडिशनल फ्यूल डिस्पेंसर, ओके एडिशनल वाटर फ्यूल डिस्पेंसर, ओके। दो हमारे पास बोट के आ जाएंगे, दो यहाँ पर आ जाएंगे, और हमारे पास कार वॉश आ जाएगा, एम्प्लॉय ट्रेलर एक और आ जाएगा, न्यू शेल्फ न्यू डेकोरेशंस कर लेते हैं $750 में। यू हैव अनलॉक्ड अ कार वॉश एंड गो चेक इट आउट। हाँ देख के आता हूँ कार वॉश। अबे यार ये पहले कस्टमर यहाँ पर आ जाते हैं, इनको पहले फ्यूल डलाऊँ, और जब तक ये अपनी गाड़ी में बैठेगा तब तक फट से ना चोरी कर लूँ। वैसे मास्टर लॉक है, मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊँगा चोरी, ट्राई करता हूँ अपना 100% देने की कोशिश करता। अबे टूट गया एक, शिट गाइस हो पाएगा? हो गया निकाल लिए $22 उसमें से निकल ले। अब यही होता है अगर मेरे स्टेशन में आके यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट करेगा तो। मेरे को देखना है गाइस कि कार वॉश यही है क्या? हाँ यही है। इसको अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे को वहाँ से अनलॉक करना होगा, खरीदना होगा तब जाके आएगा। तो पहले ना बोट फ्यूलिंग पर कस्टमर मेरा, मैं एक काम करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे हम लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे पता क्या है, वो है एम्प्लॉय को हायर करो। पहले एम्प्लॉय के लिए हम लोग एक, ये तो ऑलरेडी काम कर रहा है ना, पे कर लेता हूँ उसको मैं। हाउसेज में एक हाउस में और बाई कर रहा हूँ, 3 बाई कर सकते हैं हम लोग, 2 बाई कर लिए हम लोगों ने सोच समझ के, अभी 3 बाई नहीं करते पैसे खत्म हो जाएंगे जल्दी से यार। ऑलराइट 2 हमारे पास ट्रेलर हो चुके हैं, हायर एम्प्लॉय करता हूँ, इसको हायर कर लूँ मैं। $7.98 पर आवर का है, ऑलमोस्ट सेम है लेवल 3 क्लीनिंग लेवल 3, इसको ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है मेरे को। कर लिया उसको मैंने हायर। इसको सामान नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सामान है भी अपने पास, सब तो ख़त्म हो रखा है यार, कहाँ से दूँ इसको सामान में, सब मेरे को ऑर्डर करना। बट पहले मेरे को गाइस देखना है कार वॉश वाला, कार वॉश ये है ना रिस्टोर करना पड़ेगा हमको $500 में। ऑलराइट ये है कहाँ पर वैसे? वही है मेरे को लग रहा है जहाँ पर वो था ऑप्शन। अरे कार वॉश है पता है गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मतलब इतना कि हम लोग पैसों में नहा सकते हैं, क्योंकि लास्ट गैस स्टेशन में जब मैंने कार वॉश स्टार्ट किया था ना बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक ही होगा शायद अभी, पता नहीं यार ऑटोमेटिक अभी है नहीं ऑटोमेटिक पता नहीं, बट हम लोग ट्राई करेंगे इसको ऑटोमेटिक करने का। एक बार ये ट्राई कर रहा हूँ, इसको बुझा सकते हैं हम लैंटर्न को? नहीं मुझे लगा बुझा पाएंगे। एक बंदा बहुत धीरे जा रहा है, इसके धीरे जाने का फ़ायदा उठा के इसकी गाड़ियों से पैसे चोर लिया जाएगा। अरे रुक जा कहीं पर, तो रुक नहीं रही गाड़ी, नहीं हो पा रहा, चलता रह रहा है ना वो, अगर रुके रहता तो पैसे मैं निकाल पाता उसमें से,
यहाँ पे इम्प्लॉय मेरा यहाँ पर काम कर रहा है। अब मेरे को ना मल्टीटास्किंग वाले इम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे अब वो इम्प्लॉय चाहिए जो हमारे एक बार में एक काम करे, ताकि वो अच्छे से काम को करे ना, वरना प्रॉब्लम होती है ये लोग इधर उधर बिजी रहते हैं। अबे यार मतलब सेम वो जो पाल वर्ल्ड में होता है ना वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अबे यार हाँ तो गाइस बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि पाल वर्ल्ड की सीरीज स्टार्ट करो, ऑलरेडी कर चुका हूँ, नहीं चेकआउट करा होगा तो जाके एक बार देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और बाकी राफ्ट की एक दो एपिसोड बच रहे हैं, राफ्ट जल्दी मेरे को खत्म करना है, मैं जल्दी से राफ्ट के एपिसोड्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना भी पैसा नहीं है अपने पास, अरे $100 बचे हुए यार, क्या करा जाए $100 में, सारे पैसे खर्च हो जाते ना ऐसी फालतू चीज़ों में, पैसे कमाने के लिए पैसे है ही नहीं। देख लो टॉप ऑफ द लाइन जॉब कर रहा हूँ मैं, मेरे को यार लोन ले लिया जाए क्या एक बार और, लोन तो नहीं, लोन कहाँ है सर्विसेज में, लोन ले लेते हैं क्या दिक्कत है ना, लोन ही लेना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं हम लोग। डिलीवरी अपग्रेड्स में और देखो जरा क्या है, अभी कुछ अपग्रेड नहीं है। स्कूबा डाइविंग 2, इससे भी ऐसे अपने को फ़ायदा होता है, सब कुछ ही मैं अपग्रेड कर दे रहा हूँ फिर यार, मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। मुझे ना वो देखना था कि अभी ऑप्शन आया था ना कि हम लोग दो, यार $500 का है कि हम लोग दो वो रख सकते हैं, अभी स्टेशन अपने पास दो हो सकते हैं, हो चुके हैं क्या, नहीं यार अभी तो एक ही है अपने पास स्टेशन। फ्यूल ऑर्डर कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले गाइस फ्यूल ऑर्डर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कर चुका था ना शायद, नहीं करा था, ऑलराइट अब कर लिया मैंने। तो वो मुझे दिखा नहीं यार कि कहाँ पर हमारे पास दो स्टेशन आएंगे, देखना पड़ेगा। $346 अपने पास बचे हुए, कस्टमर कार वॉश पा रखा है। एक काम करता हूँ पहले इम्प्लॉय को ना मैं हायर कर तो दिया मैंने, उसको जॉब असाइन नहीं करी मैंने, जॉब असाइन करके आता हूँ। आई थिंक यहाँ कहीं पर रुके हुए ना, ये है इनका एरिया, इनका घर यहाँ पर है, एक इम्प्लॉय ये है ना, ये वही है रेस्ट करने वाला। अबे तू रेस्ट ही करता रहता है क्या जिंदगी भर, इसको मैं क्या क्या जॉब दूँ गाइस, इसको मैं देता हूँ कार वॉश का दे दूँ क्या, कार वॉश नहीं आ रखा है यहाँ पर, रिपेयर कार का दे रहा हूँ अभी मैं इसको, एक ही जॉब दे रहा हूँ यार, वो मेरे से नहीं हो पाएगा इतना पैसा, दो दो जॉब दे रहा हूँ ना तो दो दो इनको फिर पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। रिपेयर कार वाला छोड़ दे, तू कर यहाँ पे फ्यूल बोट्स का कर, मैं बोट्स का ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ ना, इसको बोट का दे देता हूँ। अब जाके हम लोग इंतजार करते हैं उसके आने का, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने वहीं से। ऑलराइट आने देते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से काम करेंगे। वेट करना पड़ता है इतना लंबा, क्यों इतना देर लगाता है पता नहीं। यहाँ पर ना गाड़ी आ रखी है, मैं एक बार मुझे लग रहा है कि खुद ही धोनी पड़ेगी, अभी ऑटोमेटिक वाला शायद अभी नहीं लगा होगा। गाड़ी धोना इसमें ना सरदर्द है, देखो कहाँ पर पानी जा रहा है, कहाँ पर गाड़ी क्लीन हो रही है, अलग ही कुछ सिस्टम है, समझ ही नहीं आ रहा है। इसकी तो गाड़ी के स्क्रैच भी हटा दी मैंने, कैसे पॉसिबल है कि मैं धो के स्क्रैच ही हटा दे रहा हूँ। ऑलराइट अचीवमेंट अनलॉक हो चुकी है, अब टास्क कंप्लीट हो चुका होगा मेरा। यू हैव अनलॉक्ड द कार वॉश, गो चेक दैट आउट। यार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कंप्लीट क्यों नहीं होता है टास्क, एक और मेरे को गाड़ी धोनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी वैसा भी मेरा बेटा वर्जन ही है, जबकि ये आ चुका है, ये फुली रिलीज्ड हो चुका है, तो मेरे को ना अपग्रेड करना चाहिए था, बग्स वगैरह आते रहेंगे वरना। इसको ओपन करो, चलिए अपने पास ये हो चुका है गाइस, अभी हम लोग फ्यूल डला सकते हैं। मेरे को ये अभी तक नहीं दिखा कि हम लोग ना फीचर्स में, अच्छा यहाँ पर आएगा ना, मैं भूल चुका था, देख रहा हूँ कैसा भूल गया मैं, ये यहाँ पर आएगा फ्यूल डिस्पेंसर, दूसरा नहीं फ्यूल डिस्पेंसर आ नहीं रहा ऑप्शन। ये क्या है, जेट्सकी फ्यूल डिस्पेंसर, जेट्सकी का फ्यूल डिस्पेंसर एक और, इसको लगाने का ऑप्शन तो आ रहा है यहाँ पे, पैसे नहीं है मुझे लग रहा है यार, यहाँ पे ये लगाने का ऑप्शन अभी तो नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है ना इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये काम। मैं वही सोचूं कि मेरे को एक और जेट्सकी का फ्यूल डलाने का ऑप्शन आ रहा था। अब हेलो मैं गिर गया नीचे यार, यहाँ से ऊपर जाने का है नहीं कहीं पे, ओ कैसे जाया जाए, चला गया तब तक बंदा बंदा तब तक नाराज होकर चला जाता है पहले। मेरे को ना जेट्स की स्कूबा डाइविंग और हमको एक और चीज़, मेरे को सर्फिंग बोर्ड ये ऑर्डर करने हैं जल्दी से, पहले एक बार ना चोरी कर लूँ, ये एक काम करता हूँ पहले फ्यूल डला लूँ, क्योंकि अगर चोरी करते हुए पहले पकड़ा गया तो फ्यूल भी बिना डलाए चला जाएगा, मेरा नुकसान ही नुकसान होगा। अब जाके जब तक ये बैठेगा हम लोग चोरी कर सकते हैं आराम, लग नहीं रहा मुझे कर पाऊँगा चोरी, हो गई वैसे। चलिए 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 जल्दी 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 काम कर, आओ यहाँ पर लाइन लग गई है, बहुत सारे कस्टमर्स आ रखे हैं। टारगेट तो है गाइस कि आज अच्छा खासा पैसा कमाया जाए, मतलब पैसा देखो कमा तो नहीं सकता, पैसे कमा के उड़ जाएंगे, बट ये मेरा गोल है कि आज पैसे कमा के ना गाइस मेरे को बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करनी है, और ट्राई करना है कि यार सब ना इम्प्लॉय हायर करूँ जितने जल्दी हो सके, क्योंकि इम्प्लॉय हायर करूँगा तो मेरा फ़ायदा, वरना नुकसान ही नुकसान होने वाला है। मैं उतना इतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा ना, अलग अलग जगह पर हैं, गैस स्टेशन में तो ये था कि वहीं पर चीज़ें रहती थी, यहाँ पर अलग अलग दुनिया में बसी पड़ी हैं। ऑलराइट अब जल्दी जल्दी हम लोग, पैसे इतने हो चुके 582, फीचर्स में चलते हैं हम लोग अदर्स में। अभी ये कर सकते हैं, इसको बाय कर लेता हूँ मैं यार, नहीं 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 अभी मैं सामान ऑर्डर कर रहा हूँ, सामान तो है ही नहीं अपने पास,
दिक्कत नहीं होगी। मैं सबसे पहले गाड़ी का सामान ऑर्डर करता हूँ। गाड़ी का नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ चला गया, सर्फिंग, अबे $45 के चार ऑर्डर कर रहा हूँ, जब तक चल जाएंगे चार, दो तीन चार ही ऑर्डर कर रहा हूँ, और उसके बाद चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, सब जो भी दिख रहा है मेरे को, सब सब ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बैठी देखना गाड़ी में कैसे बैठ रही। अलर्ट, क्या हमारा टास्क कंप्लीट होगा अभी? ये टास्क कंप्लीट ही नहीं हो दे रहा, पता नहीं क्यों, इसको लग रहा है कि मैंने काम करा नहीं अभी। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना जल्दी से बेटा वाला चेंज करना पड़ेगा। मैं एक बार जल्दी से ना कैसे इसको चेंज करके आता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही इसमें मेरे को बहुत। ओह, मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर लग रही गाइस। आप लोग बताओ कि आपको कैसा लग रहा, मतलब मुझे पहले के कंपैरिजन में अभी जस्ट मैं चेंज करके लेकर आ रखा हूँ। अभी मेरा वही प्री रिलीज वाला चल रहा था, मैंने चेंज नहीं किया था तब से, लेकिन अभी मैंने उसको रिलीज वाले में कर लिया, मतलब वहाँ से मैंने कुछ सेटिंग्स करके चेंज कर लिया स्टीम से। अब मेरे को ग्राफिक्स बेटर लग रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वो हो रहा था ना यहाँ पे फॉग टाइप का, वो सब चीज़ें धुंध सी, वो गायब हो चुकी है, और ब्राइट ब्राइट सा कॉन्ट्रास्ट अच्छा सा आ रहा है, सब सही लग रहा है मेरे को। एक सेकंड मैं कर लूँगा ये काम। अब मुझे लग रहा है कि पर गाड़ी अगर मैं वॉश करूँगा ना, काफ़ी ब्राइट लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है, अभी खेलने में मज़ा आएगा। बहुत ही धुंध हो रही थी यार, ये देखो कितना सही लग रहा है अब सब कुछ, ग्राफिक्स से ऐसा लग रहा है अपग्रेड हो गए हैं, अब मज़ा आएगा। अब देखो हम कैसे अमीर बनते हैं अभी कुछ सेकंड्स के अंदर में। अभी फिलहाल 22 मिनट में तो हम लोग वापस से गरीब बनने वाले, क्योंकि लोन चुकाना है, लेकिन मैं चुकाऊंगा नहीं, मैं नहीं चुकाने वाला। हमको अभी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करनी है यार, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर लोन चुकाते रहा तो मैं कैसे, बच गया अभी कस्टमर नाराज होके जाता। हमको ना एक्सपी भी बढ़ानी है अपनी, बढ़ रही होगी ना कहीं पे, यहाँ पर दिखा नहीं रहा कुछ ऐसा, बस रेटिंग एटलीस्ट बढ़ानी है। ये देखो कितना सही दिख रहा है यार, बहुत ब्राइट सा दिख रहा है। एक बार मेरे को बोट वाला एरिया भी देखना है कि वो कैसा लग रहा है। तेल डलाते हैं, पैसे, मेरे को लग रहा है कि मेरे को चोरी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चोरी करूँगा ना, तब जाके हम लोग पैसे कमा सकते हैं। अब लो, इस किसी ने यहाँ पर गाड़ी वो कर दी अपनी, चोरी कर सकता हूँ, चोरी कर लेते हैं। अभी तो भागेगा किंग ऑफ द सी, मुझे लग रहा है किसी $5 मिले। बताओ किसी को शार्क ने मार दिया कि मेरे पास कैनन नहीं। ये क्या है अभी? ये वाटर प्रेशर वाला है गाइज, मेरे को नहीं पता था कि ये भी आएगा इसमें। तो यहाँ से हम लोग जो ओशन से पानी निकाल रहे ना, यहाँ पर क्लीन होगा। उठा दिया, किसी को मार दिया, छोड़ो मरने तो, हमको क्या करना है। हाँ इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं बाद में कि क्या हो रहा है, पहले मेरे को गाड़ी वॉश करनी है। आई होप कि अब जाके मेरा टास्क ना कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर अभी भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, मतलब थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, बट क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर का प्रॉब्लम आ चुका है पहले ही, ये साफ़ करना पड़ेगा ना मेरे को यार। ये तो और बेकार, उसमें एटलीस्ट ऑटोमेटिक बटन लगा था कि साफ़ कर लो सारा, बट यहाँ मेरे को सारा खुद करना पड़ेगा। इससे प्रेशर का क्या मतलब है, इतना कचरा यहाँ पर आ कैसे जा रहा है पहली बात तो। ये ओशन के साथ में आ रहा है क्या? ओशन का पानी तो इतना साफ है, ये पानी इतना गंदा क्यों है? शायद प्रेशर बढ़ चुका होगा। हाँ ओके, अब जाके टास्क कंप्लीट हुआ क्या मेरा? कंप्लीट चैलेंज टू अनलॉक न्यू गैस स्टेशन, यू हैव अनलॉकड अ कार वॉश, गो चेक दैट आउट। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, पता नहीं क्या सरदर्द कर रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा टास्क, जबकि मैं अभी फाइनल रिलीज वाला खेल रहा हूँ, उसमें भी ये बग्स वगैरह आ रहे हैं। मुझे एक तो वो समझ नहीं आया कि मैंने सामान ऑर्डर करा था, वो गया कहाँ पे सामान? हाँ बड़ी मुश्किल से मैंने सामान ऑर्डर करा और वो गायब हो चुका है वहाँ से। एक बार यहाँ चेक करके आ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कुछ है अपने पास। एक दो तीन चार, हाँ यहाँ पे तो आया, कम से कम दो लग गए यहाँ पे एक साथ। हाँ तो हमको 100% सेट करना चाहिए थ्रेशोल्ड, ताकि वो 100% यूज़ हो सके। एक बार ना इसकी गाड़ी यहाँ से धकेल दूँ, बेचारा कब से फंसा पड़ा है। आराम से जाओ, आराम से चलाया करना, ऐसे उल्टी सीधी थोड़ा ना गाड़ी चलाते हैं, बीच में होके भी ऐसे बकवास तरीके से गाड़ी चला रहा है बंदा। रात का टाइम है और यहाँ पर रोशनी काफ़ी है। एक और गाड़ी आ चुकी, गाड़ी धोके पैसे कितने मिल रहे हैं एक बार देखूँ जरा मैं। पैसे अच्छे खासे से मिल रहे हैं, रेस्ट कर रहा है एक बंदा यार, उसको मेरे को रिपेयरिंग में डालना है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि रिपेयरिंग के लिए अपने पास पैसे भी तो नहीं है, मतलब वहाँ पर रिपेयरिंग में ना कुछ भी सामान नहीं है मेरे पास, तो उसको कुछ देखना पड़ेगा। फटाफट से धोता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना मेरे को। तो गाइस यहाँ पे ना मैं शेल्फ ऑर्डर कर रहा हूँ, अभी हमारे पास अल्कोहल वाला शेल्फ नहीं था, तो मैं अल्कोहल वाला शेल्फ ऑर्डर कर रहा हूँ फीचर्स में, शेल्फ में, और हम लोग चलते हैं अल्कोहल में। बड़ा वाला सीधे बाई कर रहा हूँ मैं, अब जाके हम लोग इसको लगा लेंगे ना, तो हम लोग अल्कोहल रख पाएंगे। अभी अपने पास अल्कोहल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी सारी की सारी। रोटेट करना है मेरे को इसको इस तरीके से कुछ। ऑलराइट, प्लेस ऑल कर देता हूँ, बहुत सारी है हमारे पास, सब आ जाएगी, ऑलमोस्ट सारी आ चुकी है। अब जाके हम लोग एक्चुअल में पैसा कमाने वाले हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट काम मेरे को करना है गाइस, वो ये करना है कि मुझे ना यहाँ पे एक पार्किंग लॉट और बाय करना है, और मुझे अभी बाय मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी वो एरिया अनलॉक नहीं करा है।
तो जैसे ही वो एरिया अनलॉक हो जाएगा ना, हम लोग पैसे कमा पाएंगे ज़्यादा फिर, और क्योंकि फ्यूल स्टेशन अपने पास दो हो जाएंगे, अपने पास पार्किंग लॉट ज़्यादा होगा तो कस्टमर ज़्यादा आने स्टार्ट होंगे, तो ये सब करना। पानी का प्रेशर देखो आप कितना तगड़ा हो रखा है, मतलब मस्त मज़ा आ रहा है अभी। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, पार्किंग लॉट तो बाई करने का ऑप्शन आ नहीं रहा अभी, मैं जेट स्की वाला एक और ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने कर दिया बाई। एक मिनट में हमको पे करना है लोन, ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका है, दोबारा मुझे लग रहा है कि फिर हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनल रिलीज में अभी इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बना लिया हो कि जब तक हम लोग पे नहीं करेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर में वो जो यहाँ पर सुनामी सी आ रही ना वो आती रहेगी। अगर ऐसा है तो फिर पे करना पड़ेगा मेरे को, बट ट्राई करूँगा कि नहीं पे करना पड़े, क्योंकि $2,500 मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं लोन पे करने के अलावा, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मेरे को लोन पे करना पड़ेगा। हम लोगों ने कितना टास्क कर लिया अभी, हमको 23 बोट्स को और फ्यूल करना है, कार हम लोगों ने ज़्यादा फ्यूल कर ली क्योंकि मैं वहाँ पर जा नहीं पा रहा हूँ ना, बहुत दूर है वो, उसके चक्कर में रह रही सारी चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास है भी कुछ है, एड ऑल कर लो क्या, ऑलराइट जा रहे हैं, चलिए ये जा रहे हैं यहाँ पे। और अब क्या बचा है, स्कूबा रेंटल पर कस्टमर आ रखा है, कस्टमर कार वॉश पर आ रखा है, कैश रजिस्टर में आ रखा है, जो दो मेरे एम्प्लॉय हैं उसमें से एक गाड़ी रिपेयर कर रहा है और दूसरा है किधर यार, ये लोग हर टाइम कैसे रेस्ट कर लेते हैं। अभी ना इनको रेस्ट करने देता हूँ क्योंकि अभी वैसे भी सुनामी आने वाली है यहाँ पे, पहले इनको निपटा दूँ फटाफट सब। यार पैसे खर्च कहाँ, मेरे को जल्दी खर्च करने पड़ेंगे पैसे वरना वो ले लेंगे ना। एक मिनट 16 सेकंड बचे हुए हैं पैसे खर्च करने मेरे को, एटलीस्ट चलो कस्टमर तो निपटा रहा हूँ ना, वो फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहाँ पर खर्च करूँ, डेकोरेशन में देख लूँ कुछ, फीचर में शेल्फ में कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ फट से, न्यूज़पेपर हमारे पास हैट का है ना, हैट का ऑर्डर कर लेता हूँ, हैट नहीं ये हो यार इतने पैसे, अब ये फिर से आ गया, अब इसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, मैं वापस फिर लोन लूँगा अगर ऐसा है तो। अभी हुआ नहीं क्या कुछ, टल कैसे गई वो बला, पता नहीं अभी तो टल गया सब यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो टेंशन ले रहा था खाली फालतू में कि सुनामी आएगी, सुनामी के यहाँ पर लावा का वो इरप्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ। फटाफट से पैसा निकालो यार, ये इसके लिए चाहिए टाइम, चली गई ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर दो गाड़ियाँ, इन पर ट्राई करता हूँ, मेरे को जल्दी से ना सबसे किसी भी हाल में मेरे को पार्किंग लॉट चाहिए गाइस, उसके बिना हम लोग ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं पाएंगे क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आ ही नहीं रहे। कितनी कोशिश कर लो कस्टमर ज़्यादा तभी आएंगे जब पार्किंग लॉट में ज़्यादा गाड़ी की स्पेस होगी। $4,000-$5,000 मिल रहे हैं, इतने में कैसे काम चलेगा गाइस। $150 मिल रहे हैं एक बार कार वॉश के, सबसे पहला कस्टमर हमको जो सर्व करना है वो कार वॉश वाला है, क्योंकि $150 ना या तो इससे मिल सकते हैं या फिर रिपेयरिंग से मिल सकते हैं। यार यहाँ पर एम्प्लॉय कहाँ चला गया, एम्प्लॉय मैंने हायर कर रखा था, फ्यूलिंग दिखा रहा है बट फ्यूल, अच्छा यहाँ पर ये काम भी कर रहा है क्या, एक साथ में दो काम नहीं हो पाएंगे यार, एक ही काम कर। मैंने इनको एक एक काम असाइन कर रखा है, पता नहीं क्यों ये दो दो काम करने में लगे पड़े, दो काम पॉसिबल नहीं है ना। ऑलराइट तो हमारे पास हो चुके हैं $403, हम लोग अभी पैसे कमा रहे, अभी ईजी हो गया पैसे कमाना क्योंकि एम्प्लॉय है। अब नेक्स्ट गोल होने वाला है, क्योंकि अभी मैं पार्किंग लॉट तो बाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे काम कंप्लीट करने हैं, तो नेक्स्ट गोल होने वाला है हमारे पास $479 हो चुके हैं। मैं ना अभी एक और एम्प्लॉय हायर करने वाला हूँ, पहले उसका ट्रेलर बाई करूँगा, एक और एम्प्लॉय हायर करूँगा ताकि हम लोग थोड़ा स्पीड अप कर सके अपने काम को। पार्किंग लॉट के लिए मुझे लग रहा है कि हमको ना सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे तब हम कर पाएंगे। एक और गाड़ी आ रखी है, $150 शायद इससे भी मिलेगा। एक बार बस ये चेक करना है कि मुझे हर गाड़ी से क्या $150 मिल रहा है, या फिर डिपेंड कर रहा है गंदगी कितनी लगी है गाड़ी में और गाड़ी कौन सी है, पूरा क्लीन करने की जरूरत है ही नहीं। $150, अरे वाह ये बहुत सही चीज़ है यार, यहाँ पर मैं अच्छा खासा काम करना पड़ेगा मेरे को। गंदगी है क्या थोड़ी बहुत है, इधर पर डालो इसको फिलहाल, अभी प्रेशर कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर पानी का, क्योंकि यही एक जो चीज़ है ना जहाँ से हमको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और कहीं पर है गंदगी नहीं। और जेट्स की फ्यूलिंग में बंदा यार बीच से एक रास्ता निकला होता तो दो जगह काम कर लेता वो, लेकिन उसको टाइम लग रहा है दो जगह जाने में क्योंकि रास्ता अलग अलग है वहाँ से। कस्टमर आ रखा है हमारा, हमारे पास हो चुके हैं $413। देखो पैसे आपको लग रहे होंगे कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, बट ये देखो कि मैं बार बार एक के बाद एक चीज़ें ना अपग्रेड करते जा रहा हूँ, तो उसमें पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा पैसे खर्च हुआ जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हम लोग चीज़ें अपग्रेड करते जा रहे हैं। अभी हमको ना बस अपग्रेड ही करते रहना, अभी हम लोग ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना वही पहला अपना गोल होने वाला है, $150 यहाँ से मिलेंगे अपने को। अब जाके पहले से ज़्यादा स्पीड अप हो गया हमारा और थोड़ा और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास 3 एम्प्लॉई हो चुके हैं काम करने में, मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो चुका है, मैं चीज़ें मैनेज करने में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, जैसे कि सामान ऑर्डर करना है, सामान उसके बाद उतारना है, उसको लगाना है, ये सब काम ना। गाड़ी धुल गई इसकी, इस गाड़ी का देखना कितना मिलेगा, छोटी गाड़ी है ना,
$150। अरे वाह, बहुत सही काम है यार ये। एक और गाड़ी आ रही है, चलिए वेट करते हैं यहीं पर। मुझे लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए एक और कस्टमर को ना, एक और एम्प्लॉय का। नहीं नहीं, ये धुलने के लिए नहीं आई थी गाड़ी। स्कूबा रेंटल मेरे को बाई करनी, स्कूबा है नहीं, विंड सर्फिंग और स्कूबा दो चीज़ें बाई करनी। यहाँ से भी हम लोग अच्छा पैसे कमा रहे हैं। अभी तक क्या हम लोगों ने दो चीज़ें कर ली, टॉयलेट हम लोगों ने करा दिया कस्टमर्स को अपने हाथों से, और हम लोगों ने गाड़ियाँ रिपेयर कर ली। उसके बाद शावर कस्टमर को नहलाना है। चलो अभी करता हूँ, अभी हो रहा साबुन खत्म। तो गाइस जस्ट हमारा अभी प्रोडक्ट यहाँ पर आए हुए हैं, हमको ना मेनली अभी एक टास्क कंप्लीट करना है और वह है सर्फिंग इक्विपमेंट रेंटल वाला। हमको सर्फिंग वाला काम करना है और सर्फिंग बोर्ड खत्म हो चुके थे तो मैंने बोर्ड ऑर्डर कर लिए थे, बोर्ड आ भी चुके हैं। अब जाके मुझे जाके वहाँ पर बोर्ड को रखना है उसमें ताकि वो लोग उसको यूज़ कर पाए, 5 लोगों को यूज़ करना है। उसके बाद हमारा ये आज का बड़ा वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बस कंप्लीट हो जाए, बग वगैरह ना हो। जैसे कि अभी ऊपर वाला टास्क देख रहे हो आपका करंट टास्क, उसमें अभी भी सेम चीज़ आ रही है कि मेरे को कार वॉश वाला अनलॉक हो चुका है, उसको जाके मेरे को चेकआउट करना है, जबकि ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। 5 मैंने असाइन कर लिया तो 5 ही चाहिए, अब मुझे दोबारा असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये लोग बस उसको यूज़ कर लें मेरे को, उसके बाद हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाके मेरे को मेनली मुझे लग रहा है कि एक तो हमारे पास ये ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा कि हम लोग ना अपना जो पार्किंग लॉट है उसको बड़ा कर पाएंगे, जो कि बहुत काम की चीज़ है, तो वो हमको अनलॉक करना है। उसके अलावा और देखते कि और क्या मिलने वाला है, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि और क्या मिलेगा, तो अभी देखिए ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर अपनी शॉप भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, मतलब हम लोग अभी सामान रख रहे हैं सॉरी, जैसे जैसे हमको शेल्फ मिल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग अपनी शॉप को बड़ा करता जा रहे हैं, और जैसे जैसे शॉप बड़ी हो रही, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब पैसे कमाना थोड़ा ईजी हो चुका है कंपेरेटिवली पहले के, क्योंकि एम्प्लॉय भी हमारे पास ज़्यादा है, बल्कि एम्प्लॉय भी मेरे को लग रहा है कि हम लोग एक और हायर कर पाएंगे, तो मैं डेफिनेटली हायर करने वाला हूँ। अब जाके मेरा काम आसान हो गया काफ़ी, बट अगर एक या दो एम्प्लॉय और आ गए ना गैस तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। वॉशिंग पे गाड़ी आ रखी है, इसको धो लेते हैं जरा। यहाँ पर लाइटिंग कुछ अजीब सी हो रखी है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है हम अपने कस्टमर्स को ना धोखा देना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा ना पालिका बाजार में हुई रहती है ब्लू लाइट, वहाँ सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे चमकते हुए नज़र आते हैं। मुझे लग रहा है वही यहाँ पर भी करने की कोशिश की गई है। गाड़ी एकदम चमक रही है यहाँ से, अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि कैसी दिखने वाली है। किंग ऑफ द सी, अबे यार मेरा एक और कस्टमर और मेरा सर्फ बोर्ड जाएगा। अब मैं इसको मारूँ कैसे, मेरे पास कैनन है नहीं। कैनन ले लूँ क्या, मैं ले लूँ कैनन गाइस, पहले ना ये काम कंप्लीट करके जाता हूँ यार, भले ही जान प्यारी है लेकिन पहले मैं काम कंप्लीट करूँगा। अब मैं भाग रहा हूँ, अब मैं सबसे पहले ना कैनन बाई करने वाला हूँ। अभी उसने अटैक करा नहीं है, अटैक कर सकती है, वो करेगी डेफिनेटली, पक्का करने वाली है, बट सबसे पहले हम लोग टूल्स में जाएँ और कैनन बाई कर लेता हूँ। चलिए चलिए, कैनन आ चुका है ना अपने पास, कहाँ गया कैनन, कैनन ये है, छोड़ दो, मेरे को यूज़ करना है इसको अभी। कहाँ चली गई वो, उस पर मैं निशाना कैसे लगाऊँ यार। अबे यार ये तो जाएगा नहीं गाइस, अबे दिख रही, गया ना, अभी नहीं गया, अभी नहीं मारा। अबे यार डाइक मर गया वो तो, चलो कोई नहीं यार, ये तो अपना कस्टमर, एटलीस्ट अपना जो टास्क मैंने मेरे को मिला था ना एक कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड हमारा कस्टमर यहाँ पर जा चुका है, मैं थोड़े से ना बोर्ड और यहाँ पर रख लेता हूँ, एक और रख पाऊँगा। चलिए कोई बात नहीं, अपना एक बोर्ड टूट गया, एक यूज़ हो रहा है, उसके बाद मेरे को 3 और यूज़ करने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा टास्क हो जाएगा कंप्लीट। यार नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। एक काम करते हैं हम लोग जल्दी जाके, मुझे नहीं पता कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट मेरे को ना अपग्रेड, शिट यार मैं ऑलरेडी सब कर चुका हूँ गाइस, नहीं अदर्स में जाऊँ, कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो पैसे खर्च करूँ इनको मैं, ये मैं बाई कर रहा हूँ, मेरे को पैसे खर्च होने वाले पक्का। उसका रेंज बढ़ चुका है, उसका रेंज 86 हो चुका है गाइस, कम थोड़ा हुआ है, अभी कम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उसको खुश कर दिया कुछ अपग्रेड करके, बट मैं जा रहा हूँ एक बार ट्राई करने वाला हूँ। निशाना लगाना वहाँ पर ना भारी पड़ता है, एक एक करके कम करना मुश्किल होता है। अगर आप कुछ चीज़ अपग्रेड दो, 37 हो चुका है सर्फिंग इक्विपमेंट रेंटर, हमको 40 करना है, उसके बाद मैं अपग्रेड जैसे ही करूँगा ना गाइस ये खुश हो जाएगा जो भी हमारा चुनचु मंचू है। यहाँ पर निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल होता है यार, आई होप कि अभी चला जाए। अब यार ये निशाने को क्या लग गया, क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, बुरी नज़र, ये चाहिए क्यों नहीं रहा। 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसे कैसे कम हो पाएगा, 50 नहीं, बहुत देर लग जाएगी क्या ऐसे, बट ट्राई करता हूँ उसको काम डाउन करने की। और जैसे ही हमारा 38 हो चुका है, सिर्फ 2 लोगों को और रेंटल लेना है। प्रॉब्लम है कि एक बार में एक ही बंदा रेंट लेता है, पता नहीं क्यों, पूरा ओशन खाली है, इतने सारे सर्फिंग बोर्ड है मेरे पास। और लाइट 3 पॉइंट, नथिंग बट नेट, ये क्या है अभी अचीवमेंट अजीब सी, 80 पर लेके आ चुका हूँ। और करंट कॉम्बो 3, अच्छा 4 का रिकॉर्ड बनाना है मुझे एक और। अबे यार ये गलत कर दिया मैंने, शिट, गलत तरीके से डाल दिया। ओह 3 पॉइंट्स मिल रहे हमको,
अबे यार ये क्या लुल्ल से हाथ हो गया मेरे, दूर क्यों नहीं जा रहा है? टास्क कंप्लीट हो चुका है, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, हमको करना है अब अपग्रेड। और जैसे हम लोग नया टास्क भी मिल चुका है, ये लो एक टास्क कंप्लीट करा नहीं, नया पहले पहुंचा दिया उन्होंने मेरे पास। कस्टमर्स को नहीं, 77 थोड़े कस्टमर्स को वो सर्व कर लेता हूँ, इससे भी एक एक करके कम होता रहता है। 78 बढ़ क्यों रहा है? एक सेकेंड, अपग्रेड्स में चलते हैं गाइस हम लोग, और यहाँ पर आप जाके हम लोग $500 में अपग्रेड करेंगे और उसका रेंज कम आएगा, बहुत कम आएगा, कितना आएगा पता नहीं। हमारा गैस स्टेशन देख रहे हो कितना बड़ा हो चुका है, बस बारिश के टाइम पे भीग जाएंगे हम लोग यार अंदर, ये दिक्कत है। 68 पर आ चुका है गाइस, अभी मैं कुछ और चीज़ें अपग्रेड करने वाला हूँ। अपग्रेड्स में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर हम लोग टॉयलेट सबसे पहले, एक सेकेंड, यहाँ पर सारे अपग्रेड कर चुका ना, वेयर हाउस, कार वॉश, टॉयलेट अपग्रेड कर लेते हैं फिर। टॉयलेट पर टॉयलेट बनाया जा रहा हूँ मैं, अब जाके हम लोग क्या करें, $1,000 नहीं, नॉट इनफ मनी, कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं लोन। लोन कितने का लें? पूरे $2,000 का। अब जाके अपग्रेड करते हैं। सर्फिंग के 4 स्लॉट आ गए हमारे पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी इसको छोड़ते हैं, रेज कम करना है मेरे को, रेज कम हो जाए तो अपनी सरदर्दी खत्म। कार वॉश, इंक्रीज पंप ड्यूरेबिलिटी, कुछ खास नहीं है यार ये, बट ठीक है कोई बात नहीं, करना तो है इनको अपग्रेड, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। वापस पैसे खत्म, चलो कोई बात नहीं। ये क्या इतने म्यूजिक चल रहे हैं अलग अलग टाइप के? ओके, मेरे को एक चीज़ देखना है, फीचर में जाएं अगर हम लोग, अदर में जाएं, पार्किंग लॉट क्या हमारे पास एक और आया? जी हाँ, हमारे पास एक और पार्किंग लॉट आ चुका है। अब जाके कस्टमर आएंगे अब भर भर के। ओह, ये भी एक और आ चुका है, नॉट इनफ मनी, $500 चाहिए ना अपने को, अभी $20 है, कोई बात नहीं, $500 हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, बस 2-3 गाड़ियाँ धोनी है, अपना काम बन जाएगा मेरे को। पहले वहाँ से ना डिलीवरी आ चुकी, शिट अभी गिर गया था, डिलीवरी आ चुकी गाइस। ओ इनकी बोट, अच्छा ये वाला लगा नहीं था ना, अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल किया तब जाके ये लोग आए, तो फायदा ही हुआ हमको वो काम करने का। एक बार इनकी बोट देख के आता हूँ मैं, जरा बोट मस्त सी लग रही है इनकी, उधर से जाना पड़ेगा। यार मेरे एम्प्लॉय का क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, मैं एक बार इनकी बोट दिखा के आ रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग चलेंगे गाइस। अब ये लोग जाने लग गए गाइस, शिट ये जाने लग गए, इनकी बोट बहुत मस्त लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है, ये देखो क्या बेहतरीन लग रही है, मेरी राफ्ट की तरह लग रही है, वाह यार कितना सही लग रहा है। ओह मैं वापस से गिर चुका हूँ, मैं इनकी बोट में बैठ सकता हूँ क्या? मन तो कर रहा है गो बैक का, इधर से कहीं से जाने का रास्ता है क्या? यार कहीं से जाने का रास्ता नहीं, मेरे को इन्होंने वापस छोड़ दिया होगा। अभी भी होगी क्या वहाँ पे? हाँ है, मेरे को एक बार देखना है कि क्या, अभी तो ये बंदा यहीं पर रह गया, इसको अगर मैं कैद कर लूँ ना फिर ये लोग जाएंगे नहीं अपनी बोट लेके तब तक यहाँ से। बट मेरे को एक बार जाके आना है बोट के अंदर, क्या हम लोग बोट में जा सकते हैं? क्या मस्त बोट लग रही है यार, ये तो बस की तरह लग रही है, इन्होंने बस की तरह बना दी पूरी बोट भी। शिट यार मैं जा नहीं सकता, क्यों मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ गाइस, लेकिन जो भी है इनकी बोट बहुत मस्त लग रही है, इनके आने से रौनक बढ़ गई हमारे गैस स्टेशन में। ये करंट अपग्रेड द परचेज स्टेशन एलिमेंट टू इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स, ऑलरेडी शायद मैं कर चुका हूँ ये टास्क, लेकिन गाड़ी धोने वाला भी अच्छा हो गया पहले से, अभी गाड़ियाँ एकदम ना क्लीन बन जा रही है जैसे मैं इसको धो रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी लोग क्यों नहीं धुलवा रहे अपनी गाड़ी, सबको धुलवानी चाहिए यहाँ पर यार, ये मेरे को ऑटोमेटिक एक बार हो जाए ना, मैं तभी सोचूं यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ये तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ना अपग्रेड करके, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो मेरे एम्प्लॉय है ना, ये इतनी देर से कैसा रेस्ट कर रहे हैं यार, ये लोग सोए पड़े हैं तब से, एक के बाद एक कस्टमर आए जा रहे हैं, मैं बोर भी हो रहा हूँ अकेले काम करके, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया यहाँ पे। ये देखो इसकी डे शिफ्ट दे रखी मैंने, नाइट चल रही है अभी, जाएगा, अच्छा नाइट चल रही है अभी, दिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि दिन चल रहा है। जाओ पे करना है इसको पहले मेरे को, अब जाओ, और इसको भी मेरे को पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद नाइट शिफ्ट, अबे रुक जा नाइट शिफ्ट, चलिए सब लोग चले गए ना काम पे, हाँ सब जा रहे हैं काम पे, और रेज 27% आ चुका है, हम लोगों ने अपनी जान बचा लिया। अभी वापस से उसको गुस्सा होना ही पड़ेगा क्योंकि लोन में चुकाने वाला गाइस नहीं हूँ। कुछ कस्टमर्स आ रखे हैं, बहुत सारे आ रखे हैं, अबे यार ये कचरा तो भर चुका है, एक बार कचरे वाले को बुलाऊं जरा मैं। सर्विसेज, गार्बेज कलेक्शन ऑर्डर, सर्विसेज में और क्या था हमारे पास गाइस? वॉल रिपेंट नहीं है, वॉल रिपेंट के लिए पैसे नहीं है अभी हमारे पास। मैं एक बार खुद ट्राई करने वाला हूँ कि क्या हम लोग पेंट कर सकते हैं,
अगर ऐसा है तो मैं पेंट एक बार $500 दे के ना गाइस पेंट कराने वाला हूँ। और $475 हमारे पास हो चुके हैं। पेंट अगर हम लोग करें तो पेंट कैसा होगा इसमें देख रहा हूँ। अरे वाह, वाइट कलर का पेंट हो रहा है। अब देखो मैं करता रहूँगा ना तो सर दर्द हो जाएगा मेरा इसको इतना काम करने में, बट नहीं मैं तो नहीं करने वाला यार, इतना टाइम मेरे पास नहीं है गाइस। वाइट अच्छा लगेगा यहाँ पे, कौन सा अच्छा लगेगा, ग्रीन कलर कर दूँ क्या? ये कलर कैसा लग रहा है एक बार देखो जरा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पेंट करने वाला बंदा आता है वो ना एक ही कलर करके चला जाता है यार, मुझे लग रहा है उसी से करवाना पड़ेगा, मेरे को ना बहुत टाइम लगने वाला है इसमें गाइस। तो हम लोग पेंट सर्विस को बुलाते हैं, जरा पेंट सर्विस आओ और पेंट करके चले जाओ हमारे पूरे स्टेशन में। अब जाके मैं कचरा साफ करता हूँ, मेरे को एक और टूल बाय करना है, उसके बाद हमारे पास सारे के सारे टूल्स हो जाएंगे, फिर जाके हम लोग आराम से चीज़ें इधर से उधर मूव कर सकते हैं। जैसे कैश काउंटर हो गया अपना, कैश रजिस्टर हो गया, और उसके अलावा एक कचरे का डब्बा हो गया, और बाहर जो कुछ चीज़ें हैं उनको भी हम लोग मूव कर सकते हैं आराम से। ये क्या है अभी वो? अच्छा वॉल पेंटिंग वाला बंदा इसने कर चुका आके। एक सेकंड गाइस, मेरे को ये वाला मेरे को वाइट करना पड़ेगा पेंट। ऑलराइट, तो अब जाके उसने सब जगह कर चुका हो एक बार में झटके में। क्या वेयर हाउस में कर रहा है अभी? मेरे को लग रहा है वेयर हाउस वगैरह में कर रहा है। कितना सही लग रहा है ना, थोड़ा वाइट वाइट सा अच्छा लग रहा है। बट छप्पर यार, छप्पर से हमको मॉडर्न वाली बिल्डिंग बनानी, कब बनेगी मॉडर्न वाली बिल्डिंग? गैस स्टेशन में अपना कोई बंदा आ ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार रिसेट कर रहा हूँ, सब कुछ रिसेट कर रहा हूँ, सब कुछ। वेव आए और सबको उड़ा के लेके जाए मेरे को छोड़ के। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जाऊँगा तो फिर ये सर्विसेज इनको मिलेंगे नहीं ना ये सब। आ गई वेव। पेंट अभी अभी गीला है, धुल ना जाए मेरा सारा पेंट यार। सारा माहौल शांत हो चुका है यहाँ पे। वापस से हम लोग लग जाते हैं काम में, यानी कि मेरे को ये पत्थर थोड़े हटाने का इस यहाँ से। उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं, उसके बाद सारा क्लीन हो चुका है। अब जो गाड़ियाँ आएंगी ना उसमें शायद हम लोग फ्यूल डला पाएंगे। अब ये पत्थर जाते क्यों नहीं यहाँ से दूर? न्यू मेल आ रखा है, एक बार देखो जरा म्यूल। इफ़ यू कांट डिफीट देम जॉइन देम। ओ कुछ डिज़ाइन विज़ाइन वाला कुछ है। एक सेकंड, हमारे पास कुछ टूल है क्या? मेरे को लग रहा है कि कुछ टूल के बारे में बातें चल रही हैं यहाँ पर। टूल से अगर याद आया मेरे को, ओके तो हमारे पास ये वाला टूल है 1200 का। हम लोग मेनली इससे डिजाइनिंग वगैरह बना सकते हैं, बट मेरे को फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए यार। ये लोग फ्यूल डलाने क्यों नहीं आ रहे? कौन डलवा ला रहा तुम्हारे इसमें फ्यूल? अभी क्यों नहीं आ रहे ये लोग फ्यूल डलाने के लिए गाइस? ये तो गाड़ी रोक के चले जा रहे हैं यहाँ पे यार। कार फ्यू अब जाके आया पहला कस्टमर। ओके मुझे टेंशन होने लग गई थी, मैंने कह रहा कुछ तो गड़बड़ हो गई है। $635 अपने पास हो चुके हैं, यानी कि हम लोग एक और एम्प्लॉय के लिए घर खरीद सकते हैं। चलिए उसका रेज भी ख़त्म हो चुका होगा। गंदगी साफ कर लेते हैं, गंदगी को हम लोग डालते हैं ओशन में तो नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं एम्प्लॉय को जरा चंचू मुंचू। रेज 1 पर आ चुकी है वापस से, क्योंकि मैंने चीज़ें अपग्रेड कर ली ना, खुश है। तो मेरे को मेनली चाहिए अभी क्लीनिंग वाला भी नहीं चाहिए, कैश रजिस्टर में चाहिए मुझे level 5। इसको हायर कर रहा हूँ मैं। चलिए अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एक और बार फ्यूल स्टेशन। ओ मैंने देखा नहीं था, हम लोगों ने फ्यूल जस्ट ऑर्डर करा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नीचे है ना इतना ही हमारा वेयर हाउस होगा, बट नहीं, वेयर हाउस हमारा ऊपर भी बन चुका है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे और हम लोग इसको अपग्रेड करते जाएंगे ये बड़ा होते जाएगा, शायद उस साइड भी हो जाए, क्योंकि मेरे को देखना है कि रास्ता आपस में कनेक्टेड होना चाहिए शायद जाने के लिए। ऐसा लग तो रहा है कि कनेक्टेड था पहले, ख़राब हो गया उसके बाद से। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ रखे हैं जरा। शेट यार, मैं गिर जाता हूँ यहाँ पर हर बार। मेरे को जल्दी जल्दी ऊपर जाना होगा, इनको जरा सर्व कर दूँ। $188 अपने पास बाकी बचे हुए हैं, अभी फटाफट से इनको निपटाता हूँ, उसके बाद अपना गैस स्टेशन में बंद कर दूंगा। अभी मैंने आज वाला जो टास्क है ना, अभी हमको जो दोबारा मिला था वो भी काफ़ी कुछ कर लिया। इतना मुश्किल होगा नहीं उसको कंप्लीट करना। अब उसके बाद एक बार ये सारा काम हो जाए ना, जैसे कि आज हम लोगों ने गाइस बहुत सारा काम कर लिया है, अब अगर ये हो जाए कंप्लीट, ये टास्क वास्क वाला झंझट चला जाए, फिर हम लोग अपने गैस स्टेशन को ना अपग्रेड। देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है गंदगी निकल रही बहुत। तो फिर हम लोग अपने गैस स्टेशन को ना अपग्रेड तो कर चुके होंगे, अपग्रेड से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे उसकी सुंदरता पे। अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, अभी हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह नहीं कर रखी है, तो हम लोग वो आप गोल करेंगे। उसके लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, अभी पैसे नहीं है, बट आज जो तैयारियाँ हम लोगों ने करी है ना गाइस, उससे हम लोग अब पैसे कमाएंगे। 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है हमारे पास सब है यहाँ पर। बस हो चुका, एक गाड़ी धो लेता हूँ बस। लालच है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि खूब पैसे कमाऊँ, एक गाड़ी धो लेता हूँ फट से। उसके बाद हमारा काम हो चुका आज का कंप्लीट। फटाफट से इसकी गाड़ी, नीली गाड़ी को चमका देता हूँ। ये देखो क्या मस्त, इसका फोर्स बड़ा सही हो गया। अभी देखो कितनी जल्दी जल्दी गाड़ी धुल रही है। ये देखो मस्त करके ऐसे करके, और अभी हमारे हाथ में सीधे $150 का एक नीला पत्ता पहुँचाएगा। ये देखो $150 मिल गया हमको, काम हो चुका ख़त्म अपना। अब जाके नो इक्विपमेंट एट विंड सर्फिंग रेंटल, कस्टमर एट गराज और कस्टमर एट बोट सर्फिंग।
बोट फ्यूलिंग, ठीक है खत्म हो चुका सामान। बट आज हम लोगों ने गाइस बहुत सारे काम करे हुए, आप लोग हमारा स्टेशन देख सकते हो कितना बड़ा इसका साइज हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, छप्पर सा लग रहा है लेकिन काम कर रहा है अपना। हमारे टॉयलेट सीट दो लग चुकी है, कार वॉश हमारा हो चुका है, यहाँ पर गाड़ी भी इवन दो अब हम लोग एक बार में रिपेयर कर सकते हैं ना, शायद अभी नहीं एक ही है पर दो कर सकते हैं। ये हमारा आ ही चुका है, बाकी यहाँ पर हमारा काम चल ही रहा है। और यहाँ पर हमारा एक नई क्या कह सकते हो उसको, हम लोगों ने एक पार्किंग लॉट अलग से बाई कर लिया है, जहाँ पर बार बार वो वाली बोट आएगी जिसमें 8-10 कस्टमर एक साथ थोक के भाव आएंगे। बाकी हमारे पास दो पार्किंग लॉट हो चुके हैं और सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी कुछ अपग्रेड कर लिया। इसी के साथ फिलहाल आज का एपिसोड करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को सजेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, हर बार एंड में बताने क्यों ऐसा गड़बड़ हो जाता है। फिलहाल मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।